हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं अपना दूसरा ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ और आज हम जाएंगे गांव में। एक मंदिर है हमारा जिसको नादबूत भगवान कहते हैं और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलो शुरू करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है, बहुत बढ़िया आवाज, विश्व भानु की दुलारी। अच्छा हुआ बुरा हूँ अपने नित कर्मों से, नीलम सुहराधा नीलम सोहराधा माणिक में सोहे का उत नंद का दुलारा, उत विश भानु की दुलारी। फूलों में सज रहे है श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है विश्व भानु की दुलारी। बहुत बढ़िया आवाज, बहुत बढ़िया। विश्व भानु की दुलारी ये टेढ़ा सा मुकुट किस अदा से रखा हुआ है, ये टेढ़ा सा मुकुट किस अदा से रखा हुआ है, जिसकी चंद्र सी घटा और स्वर्ग सी आभा है, कितना सुहावना है, कितना सुहावना है। करुणा भरी निगाहें, करुणा भरी निगाहें, दिलदार कन्हैया दीन दुखियों के पातक हारी। आवाज में कोई कमी नहीं। दीन दुखियों के पातक हारी, फूलों में सज रहे है, फूलों में सज रहे है श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है, और साथ सज रही है ऋषभ भानु की दुलारी। चींटी ने कण कण से ये महल बनाया, चींटी ने कण कण से ये महल बनाया, जिसमें 14 रतन हीरे मोती जड़े हैं, ये गुलाबी पटिका है सारे गुलाबी, ये गुलाबी पटिका सारे हैं गुलाबी। फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है विश्व भानु की दुलारी। नरसिंह पुराण में आपने तो फ्रेंड्स, ये हमारे मंदिर का रास्ता और ये है गेट और ये है हमारा मंदिर। इस मंदिर का नाम है नादबूत का मंदिर और ये हम पहुंच गए हैं। और मेरे साथ ये है मेरा बेटा, ये भाई का लड़का, और ये भी मेरे साथ आया अभी। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम मंदिर में आ चुके हैं और अभी हम देवता की मूर्ति को साफ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो, हमने अभी थोड़ा सा मूर्ति साफ कर दी है। अभी हम और काम भी करेंगे, आपको पूरा दिखाते रहेंगे। देखिए, अभी इसको हमने एक वो होता है, एक आता है पीतांबरी कहते हैं उसको, उससे इसको साफ किया है। ये मूर्ति काफ़ी
वो होगी थी, मतलब तांबा होता है ना, तांबे पे वो हो जाता है पानी से हवा से थोड़ा सा वो हो जाता है, मतलब जैसे लोहे पे जंग लगता है ना उसी प्रकार से इस पे भी जंग टाइप का लग गया था। तो अभी हम साफ करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। तो दोस्तों अभी हम देवता का स्नान करा रहे हैं अभी, और अभी बहुत करना है, अभी काफी बाकी है, आप देख सकते हो इधर आके, ये थोड़ा इधर सफाई करनी है, पूरा गंदा हो रखा है इधर भी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, अभी हम आगे का दिखाते रहेंगे। सफाई कर लिया, आप देख सकते हैं देवता की मूर्ति, और उधर भी देख सकते हैं पूरा हमने सफाई कर लिया, और अब हम पूजा करेंगे, पूजा शुरू करते हैं। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधुतमो आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिग्रहताम्। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं जोष्मान् धूर्वतीतं धूर्वजं वयं धूर्वामः। देवानामसि वहनीतामागुं शश्नीतामं पप्रीतामञ्जुष्टातामं देवाहूतं धूपं ग्राप्यामि। ओम कर्कलित कपाल कुंडली दंडपाणी तरुण तिमिर नीलो व्यालयज्ञो पवीति ऋतु समय सपरिया विघ्न विच्छेद हेतु जयति वटुकनाथ सिद्धिदो साधकानां। ओम तीक्ष्ण दष्टो महाकायो कल्पांतो दैनोपमो भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञा दातुमर्षि। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनो दीपो हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंशं रत्नाकल्पोज्वलांगं परशुमिगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममर्गणेर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओं वंदे देव उमापतिं शुरुगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांकवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओं शांतं पद्मासनस्थं सशधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकुसहितं शांकुशं वामभागे नानालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। तो फ्रेंड्स, आज हमने भगवान की सफाई की, जो कि हमारा ग्राम देवता है नादभूत भगवान। कहा जाता है कि ये भगवान आधा नाग था और आधा छोटे बच्चे का रूप था, जो कि इस गांव के जो लोग रहे होंगे उन्होंने इसकी पूजा की होगी, और जिस कारण से यहीं ग्राम देवता बन गया। मतलब जिस भगवान की जितनी पूजा करोगे तो उसमें उतनी शक्ति आती है और वो मतलब स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने खुद बनाया है। आप देख सकते हैं ये शिव भगवान की जो ये फ़ोटो दिख रही है आपको, ये मैंने बनाई है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये फ़ोटो कैसी लगी। तो अभी मिलते हैं आपके साथ।